भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने जीत लिया पहले ही दिन टेस्ट मुकाबला। रोहित विराट का आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ और भारत ने 248 रनों से जीता दूसरा टेस्ट मैच। किस तरीके से घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट मुकाबला आप लोगों को दिखाएंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। रवाड़ा काफी ज्यादा फुदक रहा था पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खोखार बल्लेबाजों को आउट करके, लेकिन उसकी सारी हेकड़ी दूसरे टेस्ट मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने निकाल दी। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक आप लोगों को मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ी और साउथ अफ्रीका के अच्छे से अच्छे गेंदबाज बॉलर जो है भारतीय बल्लेबाजों के आगे पानी भरते हुए नजर। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने, यशस्वी जायसवाल ने, रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को धोने में। साउथ अफ्रीका के घातक विस्फोटक गेंदबाज रवाड़ा का ऐसा कवाड़ा किया उसने भविष्य में भी नहीं सोचा था। रवाड़ा के 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए हिटमैन रोहित शर्मा ने और पहले टेस्ट की गुस्से का बदला यहां पर निकाला है और हार का भी बदला निकाला है और वर्ल्ड कप की हार का भी बदला यहां पर ले लिया है। साउथ अफ्रीका को इतने रनों से हरा दिया है कि आज से 200 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और रोहित शर्मा और विराट कोहली की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ने खड़े होकर के रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाम ठोका है। यहां तक पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी खड़े होकर के कहा कि हां, विराट तो विराट है, घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका के जो है परखच्चे उड़ा दिए हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी अच्छी आश्वासना दी है और जो है भारतीय खिलाड़ी को सम्मान किया है। आप सभी को बता दें कि यहां पर रवाड़ा जैसे घातक विस्फोटक गेंदबाजों के ऐसे परखच्चे उड़ाए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। आप लोग खुद अपनी लाइव आंखों से देखिएगा ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी। आप भी एक बार चौंक जाएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी देखकर और आप भी इन्हें दिल से सलाम करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लिए। भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच जब टॉस उछाला गया दूसरे टेस्ट का, तो टॉस की बाजी साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाम्बा फिर एक बार जीत गए जहां पर पहले टेस्ट मुकाबले में टॉस जीते थे। दूसरे बार जब टॉस उछाला गया तो टेम्बा बाम्बा फिर टेस्ट जीत गया। टॉस जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं शायद उन्हें यह नहीं पता था कि टॉस जीतने का मतलब यह नहीं कि यहां पे मुकाबला जीत गए हो। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया और अपने आप गेंदबाजी चुनी। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे हिटमैन रोहित शर्मा और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज 21 साल का होनहार लड़का यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। साउथ अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए रवाड़ा जैसा घातक विस्फोटक कटीला गेंदबाज आया, जहां पर बिल्कुल पहले टेस्ट मुकाबले की तरह रवाड़ा ने सोचा कि हम तो भारतीय टीम के पहले या दूसरे ओवर में परखच्चे उड़ा देंगे और हिटमैन रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन ये रवाड़ा की सोच उसी पर हावी हो गई। रवाड़ा के पहले ओवर के पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक छक्का ठोक दिया, जहां पर रवाड़ा को पता चल गया कि आज कुछ तो आगाज होने वाला है। रोहित शर्मा ने अपने पहले ही बल्ले से पहली गेंद पर आगाज कर दिया और डंका बजा दिया कि मैं आ गया हूं। और मैं आप सभी को बता दूं रवाड़ा के पहले ओवर की रोहित शर्मा ने 4 छक्के लगा दिए और 2 चौके लगा दिए, जहां पर रवाड़ा समझ गया आज कुछ तो होने वाला है। रवाड़ा का पहले ही ओवर में कवाड़ा हो चुका था। यहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ऐसा कहर बरसाया, साउथ अफ्रीका का गेंदबाज जो भी आ रहा था वो भारतीय खिलाड़ियों का जो है मुरीद हो जा रहा था और भारतीय बल्लेबाज इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे जहां पर साउथ अफ्रीका को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आप सभी को बता दूं कि यहां पर यशस्वी जायसवाल ने तीसरा ओवर जब खेला रवाड़ा का, तो यशस्वी जायसवाल ने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की और यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर खुद यहां पर रोहित शर्मा भी हैरान थे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल ने पिछले मैच में 70 रन बनाए थे टेस्ट मुकाबले में और इस बार ताबड़तोड़ विस्फोटक शतकीय पारी खेल गए। यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। खुद विराट कोहली बैठे बैठे देख रहे थे और बस यही कह रहे थे 21 साल का नौजवान लड़का और कितना कहर बरसाएगा। यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐसा मैदान पर कुछ देर तक कहर बरसाया कि मैदान समझो कि साउथ अफ्रीका में सन्नाटा ही छा गया। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर 11वें ओवर में रवाड़ा की चौथी बॉल पर 11वें ओवर की यशस्वी जायसवाल कैच आउट का सामना हो बैठे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 90 रन ठोंक दिए थे, अपने अर्धशतक के अपने करीब थे लेकिन सिर्फ 90 ही रन बना पाए और वो पवेलियन का रास्ता देख गए। भारतीय टीम को 11वें ओवर में काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा अभी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर श्रेयस अय्यर जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आ चुके थे। श्रेयस अय्यर ने पहले टेस्ट मुकाबले में काफी शतकीय मतलब कि 37 रन ठोंके थे, जहां पर उन्होंने काफी बेहतरीन पाली खेली थी और अपने अर्धशतक के करीब थे। लेकिन श्रेयस अय्यर काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं और वो मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी उन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी दिखा दिया। दूसरे टेस्ट मुकाबले में आते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू किया, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। आप सभी को बता दूं जो है श्रेयस अय्यर ने सिर्फ मैच 17 गेंदें खेली और 48 रन ठोंक दिए। यशस्वी जायसवाल के बाद श्रेयस अय्यर ने काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी की और अपने अर्धशतक के फिर करीब थे
और वो कैच आउट का सामना बर्गर की गेंद पर कर बैठे। आप सभी को बता दूंगा सचिन जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल आए, जी हाँ, रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। रोहित शर्मा का साथ देने के लिए जैसे मैदान पर केएल राहुल आए, वैसे ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से और बल्लेबाजी चलने लगी, क्योंकि केएल राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है शतक जड़ दिया था, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान थे और वो यही सोच रहे थे कि आखिरकार केएल राहुल यहां भी शतक ना जड़ दें। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि केएल राहुल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, यहां पर हर कोई देखकर हैरान था, यहां तक कि रिंकू सिंह भी देखकर हैरान था कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है, क्योंकि रिंकू सिंह साथ में गए थे खेलने के लिए। आप सभी को बता दूं कि यहां पर विराट कोहली भी सोच रहे थे कि आखिरकार दोहरा शतक तो केएल राहुल जड़ी देंगे, तो धीरे धीरे मैं आप सभी को बता दूं कि केएल राहुल भी 80 रन बना पाए, जहां पर केएल राहुल भी कैच आउट का सामना कर बैठे। आप सभी को बता दूं कि केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई, क्योंकि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, खोकार, विस्फोटक बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन तब तक हिटमैन रोहित शर्मा जो है अपनी तरफ से 210 रन की नाबाद पारी खेल चुके थे, यानी कि दोहरा शतक जड़ चुके थे। लेकिन उसके बाद जब मैदान पर आया खोकार विस्फोटक बल्लेबाज, जिसका विश्व में डंका बजता है, यानी कि इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले, इंडिया टीम का दिल कहे जाने वाले विराट कोहली काफी खोकार विस्फोटक बल्लेबाज है, जो आते ही मैदान पर कहर बरसाने लगा। विराट कोहली ने आते ही रोहित शर्मा के हाथ जो हाथ मिलाया, और रोहित शर्मा और विराट की ऐसी जोड़ी है अगर एक बार मैदान पर टिक गई तो अकेले 600-700 रन बनाने की क्षमता रखती है, और आखिरकार यहीं पर ऐसा हुआ। विराट कोहली आते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और रोहित शर्मा ने ऐसा कहर बरसाया साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के ऊपर, विराट ने ऐसी तबाही भरी बल्लेबाजी की कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज टेम्बा वावुम्बा फील्डिंग भी करने वाले ऐसे जो खिलाड़ी कांप रहे थे, यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये मुकाबला हम कैसे जीत पाएंगे। यही नहीं, विराट कोहली का और रोहित शर्मा का ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्ला चलता रहा और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ते रहे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भी यही सोच रहे थे कि पहले टेस्ट मुकाबले में हमने 10 ओवर के अंदर सभी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, जैसा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान से शतक अपना जड़कर ही जा रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करते रहे और साउथ अफ्रीका के ऊपर कहर बरसाते रहे। रबाड़ा जब 51वें ओवर में आया विराट कोहली के सामने, तो विराट कोहली कसम खा करके गए थे और पहले से आग बबूला थे, पहले टेस्ट का हार का बदला और वर्ल्ड कप की हार का बदला सोचा था कि आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में ले लेंगे। तो यहां पर विराट कोहली ने ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी की और रबाड़ा के एक ओवर में 4 छक्के जड़ दिए और एक चौका जड़ दिया, जहां पर रबाड़ा का ऐसा कबाड़ा हुआ उसने कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था। जी हां, मैं आपको बता दूं कि रबाड़ा जैसे तक विस्फोटक गेंदबाज बार बार आ रहे थे विराट कोहली का सामना करने के लिए और विराट कोहली तूफानी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली ने 250 रन की नाबाद पारी खेली, लेकिन विराट कोहली भी लगभग 55 यानी कि 61वें ओवर में कैच आउट का सामना कर बैठे। विराट कोहली जैसे आउट हुए वैसे रोहित शर्मा भी मैदान पर टिके थे और अपना 13 शतक वो पूरा कर चुके थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा आए, जी हां, हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। रविंद्र जडेजा भी काफी खोखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं और एक अच्छे गेंदबाज भी हैं। आप सभी को बता दूं रविंद्र जडेजा भी थोड़ी देर टिक गए रोहित शर्मा के साथ और रविंद्र जडेजा ने भी 22 रन की नाबाद पारी खेल डाली, जहां पर उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया रविंद्र जडेजा ने। मैच आपको बता दूं कि 12 गेंदों में 22 रन की नाबाद पारी खेली, जहां पर उसके बाद रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए। उसके बाद समी आए, समी ने भी 17 रन ठोके। उसके बाद बुमराह ने भी लगभग 61 रन बना दिए थे और उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं सिराज आए, सिराज ने भी 14 रन बनाए। ये खिलाड़ी तलपत्तल आउट होते हुए चले गए, लेकिन भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की, जहां पर साउथ अफ्रीका के परखच्चे उड़ा दिए। आप सभी को बता दूं कि भारतीय टीम का स्कोर इतना बन गया कि साउथ अफ्रीका की टीम पहले दिन बल्लेबाजी जब करने के लिए मैदान में आई तो भारतीय टीम के दिग्गजों ने एक एक ओवर में जो है एक एक विकेट चटका दिया, जहां पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहला ओवर डालने के लिए रविंद्र जडेजा जैसा खूंखार विस्फोटक गेंदबाज आया, रविंद्र जडेजा ने एक ओवर मिडिल निकाल दिया, जहां पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने एक भी रन नहीं बना पाया, जहां पर भारतीय टीम को एक विकेट हासिल नहीं हुआ। दूसरा ओवर डालने के लिए समी आए, समी ने दूसरे ओवर में एक विकेट चटका दिया, जहां पर साउथ अफ्रीका की आंखें खोल दी। आप सभी को बता दूं साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हमारे हाथों में हो क्या रहा है, क्योंकि समी, सिराज, बुमराह जैसे घातक विस्फोटक कटीले गेंदबाजों का सामना साउथ अफ्रीका की टीम नहीं कर पा रही थी। जी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बुमराह, समी ने घातक विस्फोटक गेंदबाजी कराई, जहां पर साउथ अफ्रीका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ सिराज और रविंद्र जडेजा ने कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी कराई, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम जो है थरथर कांपने लगी। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुम्बा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन दो बल्लेबाज ऐसे थे साउथ अफ्रीका के जो मैदान पर टिके रहे, हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपने पांव मैदान पर जमा लिए थे, जो बिल्कुल नहीं हट रहे थे, जहां पर भारतीय टीम के दिग्गज से दिग्गज बॉलर भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि यहां पर मैच पूरी के पूरा पलट जाएगा, क्योंकि समी, सिराज, बुमराह, जडेजा ने काफी खोखार विस्फोटक कातिलाना गेंदबाजी कराई, लेकिन वो दो खिलाड़ी मैदान पर टट के खेल रहे थे और भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। लेकिन मैं आप सभी को बता दी कि यूं ही नहीं, कुछ ही देर तक चलता रहा, जहां पर उन्होंने लगभग 250 रन की नाबाद पारी खेल डाली उन दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के, और उन्होंने अपना शतक भी पूरा किया। लेकिन
उसके बाद समी यानी कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले समी ने उन दोनों की जोड़ी को तेड़ा। आपको सभी को बता दूं कि समी कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी कराई, जहां पर लगभग 61वें ओवर में दूसरी गेंद पर उन दोनों की जोड़ी को तोड़ डाला और फिर उसके बाद क्या है तड़ पत्तर सब आउट होते रहे और सभी को धीरे धीरे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यह सब देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने जो है खड़े होकर के सभी को सलाम ठोका और कहा भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है और वर्ल्ड कप वो तो हार गई, गलती से हार गई, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और आज से 200 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इनकी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर खूब कहर बरसाया। एक तरफ गेंदबाजों को भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है और मैं आप सभी को बता दूं कि साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने कहा कि भारतीय टीम के दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली काफ़ी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज हैं और जब तक ये खेलते हैं साथ भारतीय के साथ तब तक भारतीय किसी भी टेस्ट मुकाबला या कोई भी मुकाबला हार नहीं सकती है।